चलो स्टार्ट। जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से निकल चुके हैं और यहाँ पर जो बात करें अगर हम कांग्रेस के पदाधिकारी के कार्यकर्ता और आम जनता की, तो वह भी पूरी तरीके से जी जान से और जोश के साथ इस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल है। ऐसी ही एक गाड़ी और एक रथ हमारे सामने है जिसे हम काफ़ी दिनों से देख रहे हैं, लेकिन आज ये गाड़ी किसकी है वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं गोविंद जी। तो गोविंद जी कहाँ से इस यात्रा में चल रहे हैं आप? मैं मैडम महाराष्ट्र के शेगांव से इस यात्रा से जुड़ा हुआ हूँ। मेरा नाम गोविंद अटलपुरी है, मैं राजस्थान के बारां जिले के अटरू कस्बे का रहने वाला हूँ। तो इस भारत जोड़ो यात्रा में क्यों आप शामिल हुए हैं? मैडम जी भारत जोड़ो यात्रा में मैं इसलिए शामिल हुआ हूँ कि देश के अंदर अमन चैन शांति सद्भावना कायम करने के लिए, देश के अंदर बढ़ती हुई महंगाई पर लगाम लगाने के लिए, देश के अंदर बढ़ती हुई बेरोजगारी खत्म करने के लिए हमारे नेता श्री आदरणीय राहुल गांधी जी के द्वारा जब ये भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है तो ऐसी मुहिम के अंदर शामिल होकर के, ऐसे कार्य में शामिल होकर के मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट में ये भी बताना चाहूँगा कि मेरा 2 साल पहले एक एक्सीडेंट हुआ था जिसके अंदर मेरे पैर का लिगामेंट फट गया था। साल भर तक मेरे घुटने का उसका लिगामेंट का इलाज चला है और उसके बाद भी आप चल रहे हैं। उसके बाद जब मैंने इसके अंदर मेरे अंदर चलने का जज्बा है, मैंने विशेष रूप से मेरी खुद की पर्सनल बोलेरो कैंपर गाड़ी के ऊपर इस विशेष रथ को बनवाया है। मेरे निजी पैसों से मैंने इसको बनवाया है और आप इसके ऊपर कोटेशन देखिएगा, हर कोटेशन इस देश के अंदर अमन चैन शांति सद्भावना कायम करने के लिए, इस बढ़ती हुई महंगाई पर लगाम लगाने के लिए, इस बढ़ती हुई महंगाई को बताने के लिए ये सारे कोटेशन मैंने इसके ऊपर लिखा रखे हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी की मुहिम के साथ, इस यात्रा के साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर, मेरे सामर्थ्य के अनुसार मैं पैदल भी चलता हूँ और साथ साथ निरंतर चल रहा हूँ। तो क्या लग रहा है जिस तरह से भारत जोड़ो नाम दिया गया है, क्या लगता है भारत आपको टूटा हुआ दिख रहा है? मैडम जो भारत टूटा हुआ निश्चित रूप से इसमें आप ये देखिएगा कितनी विभिन्नता फैली हुई है। आज देखिएगा हिंदू मुस्लिम, वह देश की आज़ादी के अंदर जब देश की दांडी यात्रा एक तो यात्रा की थी आदरणीय श्री स्वर्गीय श्री महात्मा गांधी जी ने, वो दांडी यात्रा कहलाई थी। उसके बाद ऐतिहासिक यात्रा ये पहली बार हो रही है और आज़ादी की जो यात्रा थी उसके अंदर देश के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्म सभी वर्गों के व्यक्तियों ने, गरीब अमीर सभी वर्गों के व्यक्तियों ने उसके अंदर कुर्बानी दी थी। उसके अंदर गांधी जी के साथ चले थे, भगत सिंह जी के साथ चले थे, सुभाष चंद्र बोस के साथ चले थे। इसी तरह से आज जो देश के अंदर वैमनस्यता फैल गई है, जैसे हम धर्मों के नाम पर बांटा जा रहा है, सिर्फ इस यात्रा का उद्देश्य सत्ता पाना नहीं है, इस यात्रा का उद्देश्य सबको एक करना है, सबको आपस में मेल मिलाना है। आप ये देखिएगा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जिन लोगों ने सबने इस देश के अंदर कुर्बानी दी थी, आज सब एक दूसरे के, मैं खुद देखने को ये देखता हूँ कि एक दूसरे के यहाँ पर आने जाने में संकोचित होने लगे हैं। तो इस चीज़ को निश्चित रूप से इस भारत जोड़ो यात्रा का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। मैडम मैं आपको यहाँ पर यह भी बताना चाहूँगा कि मैं अभी तो आप देखिएगा कितना घना। गोविंद जी अगर हम गाड़ी की बात करें जो मैं आपकी गाड़ी पे देख पा रही हूँ, राहुल जी की आपने इस फोटो को यहाँ पे लगाया, तो इस फोटो को आपने क्यों चुना इस गाड़ी पे इस जगह के लिए? इस फोटो को मैंने मैडम जी इस जगह के लिए इसलिए चुना कि आप, या मैंने अंदर इसके ऊपर स्लोगन लिखा है, महंगाई पर जनता को बेबस और लाचार मत छोड़ो, साथ आओ भारत जोड़ो। अब इसके आगे आप चलिएगा, एक तेरा कदम एक मेरा कदम, मिल जाए तो जुड़ जाए अपना वतन। इसके आगे आप चलिएगा मैडम, आप इस पे देखिएगा, महंगाई वे बेरोजगारी हटाओ, संविधान बचाओ, भारत जोड़ो अभियान को आगे बढ़ाओ। इसके साथ साथ आप एक चीज़ ये देखिएगा, वो जो आपका जो आगे वाला जो कोटेशन है उस चीज़ को मैंने यहाँ पर उससे जोड़ करके यहाँ पर ये आप देखिएगा, जब 4 सितंबर को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर दिल्ली के अंदर महंगाई पर हल्ला बोल रैली थी, उस दिन ये मैंने वहाँ पर प्रदर्शन किया था। तो ये सब्जी की माला मैंने पहनी हुई है, 1 किलो मैंने आटा लिया हुआ है, नमक तेल मिर्ची ये सारी चीज़ें लगी हुई हैं। मैडम मैंने उस गरीब को जो गले से राहुल गांधी जी ने जो लगा रखा है उस तस्वीर से जोड़ते हुए यहाँ पर मैंने ये सारी चीज़ें इसलिए बता रखी हैं कि आप देखिएगा, देश के अंदर गरीब मजदूर व्यक्ति जो सवेरे दिहाड़ी पर निकलता है
वो उसके बच्चे दिन भर इंतजार कर रहे होते हैं, जब वो शाम को आता है उसको 300-400 रुपया दिन भर की दिहाड़ी मिलती है। वो इसी तरह से मैडम 1 किलो आटा लेकर के आता है, 100 ग्राम तेल लेकर के आता है, नमक मिर्ची लेकर के आता है और सब्जी लेकर के आता है, फिर उसके घर के अंदर चूल्हा जलता है, उसके बच्चों की भूख मिटती है। तो इस आज जो इतनी ज़्यादा जो महंगाई हो गई है, उस 300-400 रुपये में उसका वो घर का पेट भरे, बच्चों का पेट भरेगा या बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब कुछ करेगा। लेकिन गोविंद जी, अगर हम बात करें महंगाई की, आप बात करें, लेकिन महंगाई तो पहले भी बढ़ी है, पहले भी हर चीज़ों के दाम बढ़ते रहे हैं, तो अब महंगाई को इस तरह से क्यों देख रहे हैं? नहीं मैडम जी, महंगाई नो डाउट के महंगाई निरंतर डे बाई डे आवश्यकता के अनुसार बढ़ती हुई चली गई है, परंतु मैडम जी इतनी ज़्यादा महंगाई नहीं बढ़ी है। अब आप देखिएगा, देश आज़ाद हुआ उसके बाद से आटे जैसी चीज़ पर टैक्स लगा दिया, पराठे जैसी चीज़ पर GST लगा दी, तो अब महंगाई मतलब आप देखो कितनी चरम सीमा पर है। तो जो गरीब की जो मूलभूत आवश्यकताओं की चीज़ें थी उसके ऊपर GST लगा दिया मैडम जी, तो आप देखिएगा ना महंगाई कितनी चरम सीमा पर है। ये मैंने सारी रेट्स बताई हुई है। आटा जो है 2014 में 21 रुपए किलो मिलता था, 22 में 35 रुपए किलो मिल रहा है, दाल 75 रुपए किलो मिलती थी, 110 रुपए किलो मिल रही है, आलू बैंगन टमाटर जो 10 रुपए किलो मिलते थे आज 30 से 40 रुपए किलो मिल रहे हैं, दूध जो 40 रुपए किलो मिलता था 2014 के अंदर आज 65 से 70 रुपए किलो मिल रहा है, सरसों का तेल जो 102 रुपए किलो मिलता था वो आज 185 से 200 रुपए के लिए किलो के लगभग मिल रहा है, पेट्रोल जो 171 रुपए मिलता सिर्फ 71 रुपए मिलता था वो आज 109-110 रुपए लीटर मिल रहा है, गैस सिलेंडर जो 410 रुपए का मिलता था वो आज 1053-50 रुपए का मिल रहा है। तो आप देखिए ना मैडम कि आज़ादी के बाद से 70 सालों में जितनी महंगाई नहीं बढ़ी वो 8 सालों का मैंने ग्राफ बताया है, डबल हो गई है। तो जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा जो है वो जन लोगों को जोड़ने की यात्रा है, मोहब्बत को बांटने की यात्रा है, नफरत को ख़त्म करने की यात्रा है, वहीं महंगाई को लेकर भी जो जनता परेशान है कि लगातार कांग्रेस कहते अभी आ रही है कि महंगाई जो जिस प्रकार से आगे बढ़ रही है, आम लोगों का जीवन व्यतीत करना मुश्किल हो रहा है, घर चलाना मुश्किल हो रहा है, तो इसी तरह से गोविंद जी ने अपनी गाड़ी को भी कुछ इसी तरह से तैयार करके और इस गाड़ी के माध्यम से लोगों को मैसेज देते हुए यहाँ से निकल रहे हैं इस यात्रा में, और इस यात्रा के माध्यम से वो लोगों को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सरकार मौजूदा सरकार है वह महंगाई उनके आने के बाद महंगाई चरम सीमा पे है, जिसके उन्होंने दाम तक भी अपने गाड़ी पर लिखवा दिए हैं। तो बस इसी तरह से आगे और भी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए सक्षम न्यूज़ इंडिया के साथ।